हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं शिमला मिर्च के बारे में बात करूंगी। और उससे पहले देखिए, एक और सीड के मेरे पास कैलेंडुला फ्लावरिंग किया है। ये देखिए, ये वाला आज न्यू खिला है। ऐसे बाकी सब अलग अलग कलर के ही हैं। तो आइए जानते हैं कि शिमला मिर्च को इस टाइम किस तरह से केयर करना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए और कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए, ताकि सर्दियों में ये जो फ्रूटिंग करता है वो हेल्दी हो और मैक्सिमम फ्रूटिंग हमें इससे मिले। ऐसे तो शिमला मिर्च पूरे साल मेरा फ्रूटिंग करता है, लेकिन थोड़े बहुत ही फ्रूटिंग करता है। एक दो फ्रूट्स आते हैं मंथ में, एक से दो फ्रूट्स ही लगते हैं, ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं करता है। लेकिन सर्दियों के मौसम में ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी करता है और इसमें फ्रूटिंग भी होता है ज़्यादा। तो ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस प्लांट को किस तरह से देखभाल करना चाहिए, कौन से फर्टिलाइज़र देना चाहिए और किस तरह से इसे देखभाल करना चाहिए, उसी के बारे में बात करते हैं। ये मेरा 3 से 4 साल पुराना प्लांट है। एक बार ये बीच से ही बिल्कुल ख़राब हो गया था, तो मैं उसे कट करके और फिर से मैं इसका ट्रीटमेंट की थी, तो फिर से ये अच्छी ग्रोथ करने लगा और अभी तक ये अच्छी फ्रूटिंग देता है। शिमला मिर्च आप एक बार लाकर लगाएं और उसका अच्छे से केयर करें तो वो बहुत साल तक आपके पास रहता है। पूरे साल आप इसे बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र ना देते हैं तो चलता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में इसे बहुत ही रिच फर्टिलाइज़र दीजिए, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। गोबर की खाद वेस्ट होता है, आपके पास अगर है तो वही यूज़ करें, अगर नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। मेरा प्लांट बहुत बड़ा नहीं है, जैसा कि मैंने बताया 2 से 3 साल पुराना है, फिर भी ये बहुत बड़ा नहीं है। इसका मैं हमेशा कटिंग करते रहती हूँ ताकि ये बहुत बड़ा प्लांट ना बने और छोटे में ही फ्रूटिंग करे। शिमला मिर्च को हर मंथ आप इस तरह से गुदाई करें, जो पॉट में मिट्टी है उसको अच्छे से गुदाई करें। और मेरा गुदाई करने वाला कहीं शायद ऊपर के टेरिस पर छूट गया है, तो मैं इससे ही कर लेती हूँ और अच्छे से गुदाई कर ले, ताकि जो हम फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं वो प्लांट को अच्छी तरह मिले। जितने भी पॉट्स हैं आपके पास उसमें अच्छी तरह से गुदाई कर लें और ध्यान रहे रूट डैमेज ना हो। अगर आपने इसे ज़मीन में लगा रखा है तो आप इसी तरह से उसका भी केयर कर सकते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल सड़ा हुआ गोबर की खाद है, ये 3 से 4 साल पुराना गोबर की खाद है और ये मेरे घर में ही बना हुआ है, इसलिए बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र देकर इसे नहीं रेडी किया गया है, ये बिल्कुल घर में बनाया हुआ कंपोस्ट है, गोबर की खाद है और ये बेस्ट है फ्रूटिंग प्लांट के लिए भी और फ्लावरिंग प्लांट के लिए भी। अगर आपके पास इतना पुराना खाद नहीं है तो 2 साल पुराना खाद है वो भी चलेगा, लेकिन जितना पुराना गोबर का खाद होता है उतना ही अच्छा होता है। कंपोस्ट ऐड करने के बाद आप अच्छी तरह से वाटरिंग कर दें और कोशिश करें कि हर 15 डेज़ में इस पर पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि सर्दियों के मौसम में कुछ फंगस वगैरह इस पर ज़रूर लगते हैं। शिमला मिर्च को आप हमेशा धूप में ही रखें, सर्दियों के मौसम में भी धूप में रखें। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप उसे 3 से 4 घंटे की धूप लगती है उस जगह पर रखें। फ्रेंड्स, कभी भी शिमला मिर्च को ओवर फर्टिलाइज ना करें, 2 से 2.5 मुट्ठी ही आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दें। ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने के बाद ये फ्रूटिंग नहीं कर पाता है। आप चाहे तो 1 मंथ स्किप भी कर सकते हैं, गैप करके भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन ओवर फर्टिलाइज कभी ना करें प्लांट को। इस तरह से केयर करके आप अपने शिमला मिर्च में ज़्यादा फ्रूटिंग पा सकते हैं। अगर आपका शिमला मिर्च फ्रूटिंग नहीं कर रहा है तो फ्रूटिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा प्लांट। तो इस तरह से ही आप अपना शिमला मिर्च का केयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक, नए जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने बगिया का ढेर सारा ख्याल रखिए। जय माता दी फ्रेंड्स। चलिए जाते जाते एक और फ्लावर दिखा देती हूँ। ये पर्पल कलर का डैंथ्रस पहली बार ये फ्लावरिंग कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।